हो गया हमारे पास 5:09 हो गए भाई। सैरी के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि नमाज का भी टाइम होने। देखा ठीक है, आगे नहीं जाना, आगे मैच देखना। ये देखो कैसे खेल दिया। तो भाई अभी हम जाएंगे लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद ए न्यू रमज़ान स्पेशल व्लॉग। तो यार आज था रमज़ान का पहला रोज़ा। तो यार मैं उठ गया था सुबह 4 बजे। यार उठने की आदत तो नहीं है फिर भी उठ। तो यार सबसे पहले मैंने कहा ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सुबह ही सुबह पीता हूँ रोज़ की रूटीन की तरह, एक गिलास गर्म पानी कर लेता हूँ भाई। ऐसे तो मैं 2 गिलास पीता हूँ, आज मुझे 1 ही गिलास पीना होगा क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी खाना है। अगर मैंने 2 गिलास पानी पी लिया तो यार खाना नहीं खाने होगा मुझसे। तो भाई पानी गर्म हो गया है तो मैं 1 गिलास गर्म पानी अपना डाल लेता हूँ। तो भाई उसके बाद जो है सेकंड मील मेरे पास आ गई है, जूस। तो भाई आपको पता है इस पूरा दिन हमें ना कुछ खाना है ना पी सकते हैं, इसलिए मेरे पास जूस और ये साथ में है मेरे पास बनाना। तो मैंने कहा कि एक बनाना भी खा लेते हैं साथ में जूस के, और इसके हमें थोड़ी देर के बाद इसके बाद हमें खाना भी खाना है। तो भाई मैं हो गया था लेट। तो भाई टाइम हो गया हमारे पास 5:09 हो गए भाई। सैरी के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि नमाज का भी टाइम होने वाला है। तो ये आ गई हमारे पास सैरी, भाई सैरी का खाना आ गया। तो भाई जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें इसके बाद जाना है, नमाज के लिए भी जाना है। ये हमारा सैरी का खाना है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद हम निकलते हैं जल्दी जल्दी, इसको ख़त्म करके सीधा निकलते हैं नमाज के लिए। टाइम भी हो गया था तो भाई मैं निकल गया नमाज पढ़ने के लिए सीधा मस्जिद की तरफ। तो भाई हम पहुंच गए मस्जिद में जो हमारे कैसे थोड़ी सी ही दूरी पे है। तो भाई हम आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू भी दिखा देते हैं हमारी यहाँ की मस्जिद का, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। गेट में बैठी हुई है तो अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर अपनी गेट वाली साइड चलते हैं भाई चक्कर लगाने के लिए। तो ये देखो ये पैर से रोक रही है भाई मुझे, ये कहती है कि आगे नहीं जाना, आगे मैच देखना। ये देखो कैसे खेल दिया। तो भाई अभी हम जाएंगे घूमने के लिए, ये भी हमारे साथ ही जाएगी। तो यार शाम को जो है हमारे यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो भाई आप भी व्यू को इन्जॉय करो क्योंकि हमें यार टाइम स्पेंड करना है अफ्तारी तक का। ये असर का टाइम तो हो गया, असर की नमाज हमने पढ़ ली है, इसके बाद जो है अभी मगरिब तक का, मगरिब से पहले हमने जो है रोज़ा इफ्तार करना है, तब तक के लिए हमने टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे। तो भाई इसलिए मैं इस साइड निकल।
तो भाई हमारे साथ कैसी गई थी, तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आया, तो हम बहुत मज़े मज़े के शूट भी लिए हमने। तो भाई हम मिलते हैं आपको, वीडियो को एंजॉय करो, हम मिलते हैं सीधा आपको तारी के टाइम पे, तो आप तब तक लिए वीडियो को एंजॉय करो। तो यार आई थिंक उस गाड़ी का टाइम हो चुका है, तो हम मैं और कैसे चलते हैं वापस, क्योंकि इसको भी अपने साथ के लिए चलते हैं, यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ेंगे, ये आ ही जाएगी हमारी फ्रीज। चलते हैं यार, गाड़ी का टाइम हो चुका है आई थिंक। तो यार मैं रेडी हो गया था इफ्तारी के लिए, तो यार इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने दुआ वगैरह की, तो मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया। तो यार फर्स्ट रोज़ा था आज, इतनी ज़्यादा हमें भूख नहीं लगी, तो इसलिए मैंने सिंपल वाटर से रोज़ा इफ्तार कर लिया। साथ में भाई हमने रखा है ये रशियन सैलेड, तो यार मुझे भूख वगैरह लगी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया। इसको खाते हैं भाई, ख़त्म करते हैं इसको। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग हमारा कश्मीर में ही होगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।